कैसे आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक और कम्बैटिव वीडियो सेशन में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था दो तीन वीडियो में पहले, और आज मैं बात करने और आज ही मैं वीडियो सोचा था बना लूं और आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करता हूं। तो ये है महिंद्रा XUV 3W का कंपैरिजन विद इट्स ऑल अदर कॉम्पिटिटर राइवल कार्स, जो कि है मारुति सुजुकी विटारा, ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड होंडा WRV। जी, होंडा WRV को भी मैंने इसी सेगमेंट में कैटेगराइज किया है, क्योंकि वो भी 4 मीटर से थोड़ी सी कम है एंड वो भी एक कॉम्पैक्ट SUV वाले रेंज में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका कंपैरेटिव वीडियो सेशन और बता दूं आपको एक क्विक ग्लिंप्स देता हूं फटाफट। हालांकि मैं अभी प्राइस के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं महिंद्रा XUV के, उसमें मैंने पहले ही बता रखा है कि अभी प्राइसिंग कोई अनाउंस नहीं की गई है। आने वाले 14 तारीख को आपको सारे प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा, मैं उसके और अलग वेरिएंट्स जिनके हैं सबके वेरिएंट्स के अलग शोरूम प्राइसेस मैं सब बता दूंगा 14 तारीख को। बस वेट कीजिए, 14 तारीख को लॉन्च होने वाली है महिंद्रा XUV 3W। तो बस आज मैं बाकी सब चीज़ें बता दूँ, बट प्राइसिंग के लिए थोड़ा वेट करिए। बट चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन फटाफट, जल्दी जल्दी रैप करते। तो आज मैं बता देता हूँ कि इन गाड़ी देखिए महिंद्रा XUV की जो टक्कर है वो सबसे ज़्यादा मेनली इन 4 गाड़ियों में होने वाला है, एंड मेजर 2 गाड़ियों से होने वाला है, जो कि है टाटा की नेक्सॉन एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट। जी हाँ, मेन 2 राइवल्स जो है इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा यही होंगे, क्योंकि इन दोनों की जो क्वालिटी है मटेरियल्स की एंड इनकी जो फील एंड टच एंड फ्री ऑफ मटेरियल्स दोनों की गाड़ियों के अगर देखिए, फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड टाटा नेक्सॉन दोनों महिंद्रा XUV की जो क्लास लीडिंग डिज़ाइन के साथ मैच कर सकती है। विटारा ब्रेजा थोड़ी सी आपको एक्सटीरियर में अच्छी लगेगी, लेकिन इंटीरियर में जब आप देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर XUV ज़्यादा आपको प्लस एंड प्रीमियम लगती है, एयरी लगती है, वहीं आपको विटारा ब्रेजा थोड़ी सी हल्की स्लाइटली सस्ती लगेगी। इंटीरियर क्वालिटी के मामले में मैं अभी भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करता हूँ मारुति, बिकॉज उसकी जो इंटीरियर क्वालिटी इस लेवल पे आके अगर 12 लाख के आसपास दे रहे हो, तो इवन टाटा नेक्सॉन से भी आप कुछ सीखिए या फोर्ड इकोस्पोर्ट से भी सीखिए, इवन होंडा WRV से भी आप कुछ सीखिए, उसके जो इंटीरियर्स हैं काफी ज्यादा रिच फील होते हैं देन द मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के जो इंटीरियर से। तो अब इन सबके इंजन के बारे में बात करता हूँ, तो जो आपको महिंद्रा XUV 3W मिलेगा वो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल एंड डीजल 1.5 लीटर का मिलेगा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 1.3 लीटर DDIS इंजन जो अभी चल रहा है, ये शायद मे भी डिस्कंटिन्यू हो जाए बिकॉज ऑफ द BS6 एमिशन नॉर्म्स, एंड मारुति अभी 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऊपर काम कर रहा है। इन हाउस डेवलप्ड इंजन है, ना कोई फीएट की, वैसे ही फीएट बंद हो चुकी है इंडिया में, फीएट का पूरा एक फ्रेंचाइजी खत्म हो चुका है इंडिया से, तो फीएट वाले जो इंजन है वो ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, 10-12 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इनको डिसकंटिन्यू करने में ही फायदा है, क्योंकि अभी BS6 एमिशन नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को कंप्लाइंट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मारुति ने एक नया इंजन निकालने का डिसाइड किया है, और जल्दी उसमें एक नया पेट्रोल इंजन भी आने वाला है विटारा ब्रेजा में 1.5 लीटर का, वही सेम जो आपको अभी हाल ही में ठीक है NCS में देखने को मिला, वही आपको इंजन सेम मिलेगा विद माइक्रो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाटा नेक्सॉन के बारे में। टाटा नेक्सॉन में सेम आपको वही महिंद्रा XUV 3W की तरह 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, सब कुछ आपको स्क्रीन के पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मतलब, एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है टाटा नेक्सॉन में, जो कि बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत पावरफुल है, पेट्रोल EMT और डीजल EMT दोनों में अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे फीचर लोडेड गाड़ी है, और यही वजह है ये महिंद्रा XUV 3W के साथ ज़्यादा मैच करेगी एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट एज वेल। चलिए फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करते हैं, वो है उसके पास दोनों इंजन काफ़ी बराबर के, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और ये दोनों ही इंजन 1500 cc के बहुत पावरफुल है। फोर्ड में आते हैं टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जो कि फुली ऑटोमेटिक है, कोई वैसा मैनुअल AMT वाला सिस्टम नहीं है, फुली ऑटोमेटिक है, एंड इवन इसमें ऑटोमेटिक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाते हैं इन द सिटी ट्रैफिक कंडीशंस, एंड आपको हाईवे में भी काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है ओवर, जब आप RPM क्रॉस कर जाते हैं, जब इंजन सडन RPM क्रॉस कर जाते हैं तो इकोस्पोर्ट के इंजन और पंची और पावरफुल हो जाते हैं। इवन हैंडलिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है टाटा नेक्सॉन एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट देन विटारा ब्रेजा एंड होंडा WRV। चलिए बात करते हैं होंडा WRV की, इसमें आता है इंजन आपको 1.2 लीटर का सेम पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन। डीजल इंजन का भी पावर इसमें कम है एंड पेट्रोल का भी बहुत कम है, तो बाकी कॉम्पिटिशन में अगर आप देखो बाकी सबके इंजन के पावर बहुत ज़्यादा है एंड न्यूटन मीटर टॉर्क भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, लेकिन इसका जो इंजन पावर है बहुत कम है और टॉर्क ज़्यादा निकल रहा है, तो वो ये ना जब गाड़ी रेव करते हो तो इंजन पावर नहीं बढ़ रहा है, रेव कर रही है बस, RPM मीटर आपका ऊपर जा रहा है, इंजन पावर आपकी पंच नहीं ले रही है, वही वजह है इस वजह से इसका जो पावर लैक है वो नीचे रहेगा, 2000-2500 के नीचे इसका पावर लैक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा स्पेशली इन पेट्रोल इंजन। डीजल ज़्यादा नॉइजी हो जाता है WRV में जो आते हैं, वो एक सर्टन RPM जब क्रॉस कर जाते हो 6000-7000 RPM जब हाई स्पीड पर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नॉइजी फील करने लगता है, इस वजह से वो कैबिन में इंट्रूड होने लगता है आवाज़, तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग एंड इन सब में। अब चलो अगली बात करते हैं, वो है डायमेंशंस।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको गाड़ी ले रहे हैं तो इवन आपको पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छी तरह देखना होगा, क्योंकि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या इन दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एंड पार्किंग को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा। इन सब में जो सबसे लंबी गाड़ी है वो है होंडा की WRV, स्पेशली हम चौक गया था मैं भी देखा कि WRV क्या हो सकती है। इवन फोर्ड की स्पोर्ट भी उससे 1 mm कम है, बस 3998 mm है, एंड WRV 3999 mm है। तो ये बहुत हैरानी की बात है, हालांकि लंबी है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा। बट जो सबसे ज़्यादा स्पेस आपको अगर देखना है तो वो आपको विटारा ब्रेजा एंड टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेगा, देन महिंद्रा XUV 300 एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी स्पेस कम है एंड महिंद्रा XUV 300 भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, स्पेशली बिकॉज वो सैंगयोंग टिवोली पे बेस्ड है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में बिकती है उसी के ही डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। तो ये चीज़ थोड़ी सी उसको लैक करेगी, एंड इवन बूट स्पेस भी बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ सब गाड़ियों की, अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स के अपने देखिए तो महिंद्रा XUV 300 का जो बूट स्पेस है इवन वो भी बहुत कम है, वो है अराउंड 257 लीटर्स। कैन यू इमेजिन 257 लीटर्स एट अ प्राइस ऑफ 13 or 14 lakhs। अगर ये अभी प्राइसेस आए नहीं है घर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर 14-15, 14.5 lakh तक अगर ये गाड़ी गई तो इतने कम बूट स्पेस के साथ क्या होगा, क्योंकि 60-40 चलिए आप दे दीजिए सीट दे रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी इशू है अगर बूट्स में ही अगर आपके सामान पूरी तरह नहीं आ पा रहा, ये तो आप सेम बोलो टियागो वाला हाल हो गया, बूट स्पेस 242 लीटर 257, बस स्विफ्ट के बराबर का बूट है ये तो पूरा। इस वजह से इनके कॉम्पिटिटर्स अगर देखें सबसे बड़ा बूट जो है वो होंडा WRV में आता है 363 लीटर्स, उससे सेकंड नीचे आएगा वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट 352, उससे थोड़ा नीचे 2 लीटर कम टाटा नेक्सॉन के 350 लीटर्स, उससे फिर कम 328, यानी कि विटारा ब्रेजा भी इससे बहुत आगे है। हालांकि लंबाई में दोनों बराबर है विटारा ब्रेजा एंड महिंद्रा XUV 300, बट इनकी जो जगह है आप स्पेस जो है इनका यूटिलिटी अगर आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा हाई एंड है, जमीन आसमान का फर्क आ रहा है इन दोनों के अंदर। और दोनों की जो लुक है विटारा ब्रेजा एंड XUV 300, दोनों के लुक भी काफ़ी बॉक्सी एक जैसे लगते हैं, अगर आप साइड वेज देखोगे तो बॉक्सी डिज़ाइन है दोनों का ही। बाकी दूसरी गाड़ियों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग है, एक फ्लोइंग डिज़ाइन है, काफ़ी कर्वेज डिज़ाइन दिए हुए हर गाड़ी पे, हालांकि इनके थोड़े ज़्यादा बॉक्सी एंड रॉकेट SUV वाले लुक दिए हुए, तो वो वजह से दोनों की सिमिलैरिटी काफ़ी आ जाती है। सब में छोड़ के सिर्फ फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड महिंद्रा XUV में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, बाकी होंडा WRV टाटा नेक्सॉन एंड विटारा ब्रेजा सब में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, सब में अलॉय व्हील्स आते हैं सेम, एंड इवन इनमें जो फीचर्स है वो भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन सबके अलग अलग अपने अपने सिस्टम है, लेकिन मैं सबको तो बता दूंगा स्क्रीन पे आपको सब दिख जाएगा। बट अभी मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, अगर विटारा ब्रेजा की प्राइसिंग देखें तो 7.84 लाख से लेके 10.77 लाख तक ये जाती है एक शोरूम दिल्ली के प्राइसेस है। सिक्स और टाटा नेक्सॉन की बात करें तो ये 6.46 लाख से शुरू होके अराउंड 8.6 लाख तक जाती है एक शोरूम दिल्ली, मतलब कि इन सब में सबसे सस्ती जो अगर पड़ेगी आपको गाड़ी वो है टाटा नेक्सॉन बेस वेरियंट जगह XE से अगर आप लोगे तो काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा, XE XM XT एंड XZ प्लस जो जाती है तो वो कम से कम 11.5-12.5 तक मैक्सिमम जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। एंड इको स्पोर्ट जो जाती है वो समवेयर शुरू होती है 7.82 लाख से शुरू होकर 11.89 लाख, यानी कि समझिए 12 लाख तक जाती है एक शोरूम प्राइसेस, एंड इवन वो 13-13.5 तक वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख के फर्क कुछ आ जाएगा आपको इको स्पोर्ट में अगर आप लेते हो तो। हाँ, उसमें स्पेशली फाइनली फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं इस वजह से, बट अगर होंडा WRV की बात करें तो 7.98 है 10 to 10.57 lakhs, मतलब 10.5 लाख, यानी कि 12 लाख तक 11.5-12 लाख तक मोस्ट प्रोबेबली ये जाती है प्राइसिंग के मामले में। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इन सबकी प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी जो लग रही है वो है आइदर विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन, क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट भी एक तरीके से, लेकिन फोर्ड इकोस्पोर्ट का टॉप मॉडल टाइटेनियम प्लस लेने के बजाय आप टाइटेनियम और ट्रेंड प्लस वेरियंट आप ले सकते हो, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। टाटा नेक्सॉन का टॉप मॉडल आप ले लीजिए एंड मारुति विटारा ब्रेजा का ZDI प्लस ले लीजिए, बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, दोनों वेरिएंट बहुत पावर अच्छी है, फीचर लोडेड है, एंड इवन सेफ्टी भी बहुत अच्छी है। टाटा नेक्सॉन की तो 5-स्टार रेटेड कार में से एक है, फोर्ड इकोस्पोर्ट भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है टाटा एंड फोर्ड की, मारुति की भी इवन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है विटारा ब्रेजा की, हल्की नहीं लगी, बहुत अच्छा वेट से बना हुआ है, स्टील काफ़ी अच्छी यूज़ की गई, बट महिंद्रा XUV के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस यूँ किया जा रहा है क्योंकि महिंद्रा ने जैसे ग्राफ बढ़ाया है, इवन टाटा एंड महिंद्रा दो ऐसी कंपनियां जिनके ग्राफ हमने बढ़ते हुए देखा है, कम होते हुए नहीं देखा है किसी पिछले 5-6 सालों में या 7 सालों में अगर आप देखें,
मोस्ट प्रोबेबली। एंड इन दोनों ने अपनी भी गाड़ियों को काफ़ी सुधारना की इन दोनों ने, इवन टाटा ने भी बहुत अब नई जनरेशन गाड़ी इवन अभी जो स्पेशली अभी जो हाल ही में लॉन्च हुई है टाटा हैरियर, वो दिखा दी है कि टाटा अपने नेक्स्ट जनरेशन डिजाइन दिखा रही है विद फीचर्स एंड स्टाइलिंग एंड सेफ्टी एज वेल। तो यही चीज़ मैं महिंद्रा के ऊपर भी टारगेट करना चाहूँगी, महिंद्रा ने भी काफ़ी अपने कस्टमर्स को टारगेट करने की सोचा है कि वो फर्स्ट टाइम बायर्स हो या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम बायर्स हो, तो मल्टीपल टाइम बायर्स हो, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आ गया कि अब मार्केट में काफ़ी सारे आपको मिलते जा रहे हैं ऑप्शन एक के बाद एक इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। लोग हैचबैक से एसयूवी में आ रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेडान से एसयूवी में आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी बदलती हुई दिखाई देगी। इवन ह्यूंडई भी लेके आने वाली है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो काफ़ी गर्म माहौल होने वाला है, अब वेट करना पड़ेगा, काफ़ी सारी गाड़ी आने वाली है मार्केट में, तो अब रहा नहीं जाता, काफ़ी सारी ह्यूंडई भी अभी कार्लिनो लेके आने वाली है, कार्लिनो के कंसेप्ट पे बेस्ड एक गाड़ी लेकर आ रहा है, उसका कोड नेम शायद से आई थिंक QX1 शायद कोड था, वो आने वाली इसी साल आएगी एंड वो भी इस सेगमेंट में बहुत कड़ी टक्कर देने वाली, क्योंकि ह्यूंडई आफ्टर ऑल ह्यूंडई उनका जो फील एंड गुड फील गुड फैक्टर वो बहुत ज़्यादा इन सारी कंपनियों से बहुत आगे, तो एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए वो भी। आई थिंक क्रेटा के जैसे लुक अगर डिज़ाइन में आए तो बहुत अच्छी होगी। एक्सपेक्टेड प्राइस है अभी तो महिंद्रा एक्सयूवी 3 डबल होगी, बट अभी कुछ कह नहीं सकते 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या आएगा, बट वेट करते हैं 14 तारीख को मैं सारी डिटेल्स आपको पहुँचाऊंगा, बट अभी के लिए मेरा जो था ये पूरा एक पूरा मैंने आपको एक डिटेल कंपैरिजन रिव्यू बताया। इन सब में जो मैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर गाड़ी बोलूँ इन 5 गाड़ियों में से, महिंद्रा एक्सयूवी तभी वैल्यू फॉर मनी बन सकती है जब उसके प्राइसिंग अगर अंडरकट करे देन फोर्टिको स्पोर्ट और होंडा WRV, तो खैर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मेनली जो इसका राइवल है फोर्टिको स्पोर्ट है, क्योंकि वो महंगी है और वह फीचर ज़्यादा आते हैं एंड इवन उसका प्राइसिंग भी थोड़ा हाई रखा है कंपनी ने, अगर वो उसको अंडरकट करती है देन इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी पैकेज। एंड अगर इन 4 वेरियंट्स में महिंद्रा एक्सयूवी 3 डबल के जो 4 वेरियंट्स हैं W4, W6, W8 ऑप्शनल, इन सब में से जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर हो सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आइदर W6 और W8 ऑप्शनल, W8 ऑप्शनल नहीं, W6 एंड W8 मॉडल रहेगा मेरे ओपिनियन में। तो चलिए बस आज की वीडियो यही अंत करता हूँ, और मैं आपको सारे स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा एंड आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा एंड वी शुड नो कि अब 14 तारीख को वेट करना है, अब वेट खत्म होने वाला है क्योंकि अब गाड़ी आने वाली है, लॉन्च तो हो ही चुका है, डीलरशिप पे आने भी लगे और काफ़ी, एंड इवन यू आर गोइंग टू सरप्राइज टू सी दैट 4000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी महिंद्रा एक्सयूवी 3 डबल की प्री बुकिंग हो चुकी है, तो ये सोचिए कि गाड़ी में कितना ज़्यादा अब लोग क्रेज़ बढ़ते ही जा रहे हैं इस गाड़ी को लेके, तो सोचिए लोग पैसा लगा रहे हैं इस गाड़ी के लिए, और अगर इनकी प्राइसिंग अगर बहुत एग्रेसिवली सेट की कंपनी जैसे टाटा हैरियर की करी है तो ये बहुत बढ़िया पैकेज होने वाली है, वेल मेंटेन पैकेज होने वाली है, और इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए फिलहाल के लिए मैं अभी पास आपके लिए एक नोट छोड़ चुका हूँ, ये वैसे भी एक आपको स्क्रीन में सब दिख गया होगा, प्राइसिंग वगैरह सब दिख जाएगी आपको, हर एक गाड़ी का फीचर्स भी बता दूंगा, प्राइसिंग भी सब दिखा दूंगा, तो बस रेडी रहिए 14 तारीख को मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलाइए, और स्कूटर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन के चलाइए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है, और बी सेफ बी एंजॉय योर लाइफ एंड मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार जी।